प्रधानमंत्री ने अपनी बात भी कही, लेकिन उधर विपक्ष का हंगामा लगातार चलता रहा और सदन में हंगामे को लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी आरोप लगाया है कि विपक्ष के पास मुद्दों का अभाव है। उनसे बात की आज तक संवाददाता संजय शर्मा ने। लोकतंत्र का गला घोंट रही है, पत्रकारों के, न्यायाधीशों के, नेताओं के, सबके फोन टैप करा दिया। ये तो सरासर इल्जाम है, ये झूठ है। देखिए, विरोधियों के पास अभी कुछ मुद्दा नहीं है, सच बताएं, पूरा देश जान रहा है मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा लेस विरोधी दल हो चुका है। अब ये इतनी ऊंची ऊंची बातें, बहुमत की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, पूरे विश्व में जिनका क्रेज है, अब ये हरकत भारतीय जनता पार्टी या हमारे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की सोच नहीं है। उनकी सोच है विकास, उनकी सोच है ग्रोथ, इसीलिए ये पार्टी जीतती जा रही है। उत्तर प्रदेश में आपने सारे अभी जिला पंचायत और ये सारे जितने भी चुनाव हुए और आने वाले चुनाव में, उस हिसाब से हम लोगों की सोच ये ऊंची नहीं है। ये कांग्रेस के जमाने में होता था कि फोन टैपिंग होती थी और ब्लैकमेलिंग होती थी। हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी के इस युग में, प्रधानमंत्री जी वाले युग में, ये सब ऊंची हरकत तो नहीं करते। तो कंपनी किस तरह से दावा कर रही है, उसमें कितनी सच्चाई है, ये सब देखिए। सब अभी ये मानसून सत्र को बर्बाद करने की साजिश है, देश के विकास को बर्बाद। देखिए, 15 महीने देश रुका हुआ था, अब अचानक देश चलने के लिए ये सत्र कितना इम्पोर्टेंट है। 31-32 बिल आ रहे हैं, प्राइवेट बिल्स आ रहे हैं, इसमें रोकने की साजिश है। देश कभी माफ नहीं करेगा। ये जनसंख्या